एमएलएम में उत्पाद महंगे क्यों होते हैं और इसका समाधान। एक व्यापक विश्लेषण एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग एक आकर्षक बिजनेस मॉडल है जो लोगों को वितर्क बनाकर उत्पाद बेचने का मौका देता है। हालांकि एमएलएम में अक्सर यह सवाल उठता है कि इसके उत्पाद महंगे क्यों होते हैं जबकि बाजार में मिलने वाले उत्पाद सस्ते होते हैं। इस लेख में हम इस प्रश्न का गहन विश्लेषण करेंगे और इसके संभावित समाधानों पर चर्चा करेंगे। परिचय एमएलएम कंपनियां अक्सर यह दावा करती हैं कि उनके उत्पादों की कीमतें इसलिए अधिक होती हैं क्योंकि वे बीच के बिचौलियों को हटाकर सीधे वितरकों को लाभ पहुंचाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बाजार में बिचौलियों के बावजूद उत्पाद सस्ते होते हैं तो एमएलएम उत्पाद महंगे क्यों होते हैं? इस लेख में हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि कैसे एमएलएम कंपनियां अपने उत्पादों की कीमत कम कर सकती हैं और गुणवत्ता बनाए रख सकती हैं। एमएलएम उत्पाद महंगे क्यों होते हैं? 1. कमीशन स्ट्रक्चर। एमएलएम कंपनियां अपने वितरकों को उच्च कमीशन देती हैं जो उत्पाद की कीमत में शामिल होता है। हर स्तर पर कमीशन दिया जाता है जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। वितरकों को कमीशन। एमएलएम कंपनियां अपने वितरकों को कमीशन देती हैं जो उत्पाद की कीमत में शामिल होता है। मल्टी लेवल कमीशन। हर स्तर पर कमीशन दिया जाता है जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। 2. उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता। कई एमएलएम कंपनियां अपने उत्पादों की उच्च गुणवत्ता का दावा करती हैं जिससे कीमत बढ़ जाती है। कुछ उत्पाद केवल एमएलएम नेटवर्क के माध्यम से ही उपलब्ध होते हैं जिससे उनकी कीमतें अधिक हो सकती हैं। उच्च गुणवत्ता। कई एमएलएम कंपनियां अपने उत्पादों की उच्च गुणवत्ता का दावा करती हैं जिससे कीमत बढ़ जाती है। विशिष्ट उत्पाद। कुछ उत्पाद केवल एमएलएम नेटवर्क के माध्यम से ही उपलब्ध होते हैं जिससे उनकी कीमतें अधिक हो सकती हैं। 3. प्रशिक्षण और समर्थन। वितरकों के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का खर्च भी उत्पाद की कीमत में जुड़ता है। उच्च गुणवत्ता वाली ग्राहक सेवा भी एक लागत है जो उत्पाद की कीमत में शामिल होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम। वितरकों के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का खर्च भी उत्पाद की कीमत में जुड़ता है। ग्राहक सेवा। उच्च गुणवत्ता वाली ग्राहक सेवा भी एक लागत है जो उत्पाद की कीमत में शामिल होती है। 4. छोटा उत्पादन स्केल। कई एमएलएम कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं करती जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। छोटी वितरण प्रणाली होने के कारण लॉजिस्टिक्स की लागत अधिक हो सकती है। कम उत्पादन मात्रा। कई एमएलएम कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं करती जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। लॉजिस्टिक्स और वितरण। छोटी वितरण प्रणाली होने के कारण लॉजिस्टिक्स की लागत अधिक हो सकती है। बाजार के उत्पाद सस्ते क्यों होते हैं? 1. बड़े पैमाने पर उत्पादन। बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं जिससे उत्पादन लागत कम हो जाती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण उत्पादन की इकाई लागत कम होती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन। बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं जिससे उत्पादन लागत कम हो जाती है। 2. सप्लाई चेन एफिशिएंसी। बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन अधिक प्रभावी होती है जिससे लागत कम होती है। प्रभावी सप्लाई चेन के कारण उत्पाद की कीमत कम होती है। एफिशिएंट सप्लाई चेन। बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन अधिक प्रभावी होती है जिससे लागत कम होती है। 3. ब्रांड और मार्केट शेयर। बड़ी कंपनियों के पास मजबूत ब्रांड पहचान होती है जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्पाद बेच सकते हैं। बड़े बाजार हिस्सेदारी के कारण उन्हें लागत में लाभ मिलता है। ब्रांड पहचान। बड़ी कंपनियों के पास मजबूत ब्रांड पहचान होती है जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्पाद बेच सकते हैं। मार्केट शेयर। बड़े बाजार हिस्सेदारी के कारण उन्हें लागत में लाभ मिलता है। समस्या का समाधान और सुझाव। 1. उत्पादन लागत कम करना। कंपनियां अपने उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर लागत को कम कर सकती हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन से उत्पाद की इकाई लागत कम हो जाती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन। उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर लागत को कम करना। 2. एफिशिएंट सप्लाई चेन। कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को अधिक प्रभावी बनाकर लागत को कम कर सकती हैं। प्रभावी सप्लाई चेन से उत्पाद की कीमत कम हो सकती है। सप्लाई चेन सुधार। सप्लाई चेन को अधिक प्रभावी बनाना। 3. प्रशिक्षण और समर्थन का पुनर्मूल्यांकन। कंपनियां अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को किफायती बनाकर उत्पाद की कीमत को कम कर सकती हैं।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्रशिक्षण की लागत को कम करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। किफायती प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को किफायती बनाना। ऑनलाइन प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्रशिक्षण की लागत को कम करना। 4. ग्राहक सेवा में सुधार, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करना लेकिन उसकी लागत को नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण है। कंपनियां अपनी ग्राहक सेवा को प्रभावी बनाकर लागत को कम कर सकती हैं। सुधार, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करना लेकिन उसकी लागत को नियंत्रित रखना। 5. उत्पाद की गुणवत्ता और मूल्य का संतुलन, उत्पाद की गुणवत्ता को उच्च रखना लेकिन उसकी कीमत को संतुलित करना अनिवार्य है। कंपनियां उच्च गुणवत्ता बनाए रखते हुए उत्पाद की कीमत को कम कर सकती है। गुणवत्ता, उत्पाद की गुणवत्ता को उच्च रखना लेकिन उसकी कीमत को संतुलित करना। ऑनलाइन सेमिनार और प्रशिक्षण MLM कंपनियां बड़े सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ऑनलाइन लाकर न केवल अपने वितरकों के पैसे और समय की बचत कर सकती हैं, बल्कि ऑनलाइन पोर्टल से अतिरिक्त आय भी कमा सकती हैं। 1. लागत की बचत, वितरकों को यात्रा और आवास पर खर्च नहीं करना पड़ता। ऑनलाइन सेमिनार से समय की भी बचत होती है। यात्रा और आवास की बचत, वितरकों को यात्रा और आवास पर खर्च नहीं करना पड़ता। समय की बचत, ऑनलाइन समय की भी बचत होती है। 2. उपलब्धता और पहुंच, वितरक दुनिया के किसी भी कोने से सेमिनार में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन सेमिनार और प्रशिक्षण रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जिन्हें बाद में भी देखा जा सकता है। कहीं से भी पहुंच, वितरक दुनिया के किसी भी कोने से सेमिनार में भाग ले सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस, ऑनलाइन सेमिनार और प्रशिक्षण रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जिन्हें बाद में भी देखा जा सकता है। 3. अतिरिक्त आय, कंपनियां पेड वेबिनार आयोजित कर सकती हैं जिससे अतिरिक्त आय हो सकती है। सदस्यता आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल शुरू कर सकती हैं। पेड वेबिनार, कंपनियां पेड वेबिनार आयोजित कर सकती हैं जिससे अतिरिक्त आय हो सकती है। सदस्यता आधारित मॉडल, कंपनियां सदस्यता आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल शुरू कर सकती हैं। निष्कर्ष, MLM उद्योग में उत्पाद की कीमतें अक्सर अधिक होती हैं लेकिन इनकी गुणवत्ता और विशिष्टता इसे सही ठहराती है। हालांकि अगर कंपनियां अपने उत्पादन और वितरण प्रणालियों को अधिक प्रभावी बना सकें तो उत्पाद की कीमतें कम की जा सकती हैं। ऑनलाइन सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम वितरकों के समय और पैसे की बचत कर सकते हैं और साथ ही कंपनियों को अतिरिक्त आय भी दे सकते हैं। मुख्य बिंदु, लागत की बचत, यात्रा और आवास की लागत में कमी, समय की बचत, अतिरिक्त आय, मिनिमम पेड वेबिनार और सदस्यता आधारित मॉडल से आय, गुणवत्ता और मूल्य का संतुलन, उच्च गुणवत्ता बनाए रखते हुए उत्पाद की कीमत को कम करना, सप्लाई चेन सुधार, सप्लाई चेन को अधिक प्रभावी बनाना, भविष्य की दिशा, नवाचार और गुणवत्ता, नवाचार और गुणवत्ता पर ध्यान दें, ग्राहक सेवा, ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करें, ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल से अतिरिक्त आय कमाएं। इस प्रकार का लेख आपके दर्शकों को MLM उत्पादों की उच्च कीमतों के पीछे के कारणों को समझने में मदद करेगा और उन्हें संभावित समाधानों के बारे में जानकारी देगा। इससे वे MLM में अधिक विश्वास और समझ के साथ जुड़ सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी उपयोगी वीडियो मिलते रहें।